WHO की गाइडलाइन है उन पर चल रहे हैं। इव रही बात कई फिर कहोगे भाई तू मास्क कौन ला रहा, भाई मास्क लगाया पता लगातार बोलिया नहीं जाता, आप बैठे हैं लेकिन बाकी पर नहा अपना साथ में देखो, लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं आओगी उस चीज़ ने। लेकिन दूसरी चीज़ भाई गाम राम बैठे थोड़ा मकान बनाने तो पहले अपने यह चीज़ क्लियर करनी जरूरी थी भाई यह जगह किसकी है। तो इसका बाबू और तीन भाई थे, तीनों भाइयों का इसमें हिस्सा था, एक जो इनके पिताजी हो गए दूसरे ही ये बैठे एक बार ने उनका जो भाई किशन जी हैं इनका हिस्सा था, और तीसरे हैं जो वो एक्सपायर हो लिए उनके लड़के हैं यू भाई बैठे हैं विष्णु उनका नाम का लड़का यानी तीनों। तो जो तीन हिस्से थे इसमें तो दो हिस्से इनके थे, इन्हें यह जगह इन आगे दे दी है और 50-50 हज़ार रुपये भाई इस जगह की कीमत लाई गई यानी दोनों को एक के 50-50 हज़ार रुपये यानी 1,00,000 रुपये, और उसकी अपन ने लिखित करवाई है यू वो पूरा पेज है जिसमें पूरी लिखित है भाई किसकी ये जगह थी किसने दी है। इसमें बाकायदा सरपंच के साइन है मोर है, जिसने जगह दी है उनके साइन मोर है, और जो गवाह 10-15 आदमी थे उनके मोर और भाई नीचे मन भी साइन करके हैं, मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ। तो पूरा पेज है और इनकी जो कीमत रखी गई थी 50-50 हज़ार रुपये, तो भाई ये वो 50-50 हज़ार रुपये सरपंच आप दे दो इन दोनों ने, तो ये वो किशन जी हैं आप भी ले लो जी आईडी तो दे दियो इन्हें भाई 50,000 रुपये जो किशन जी हैं इनकी जगह की जो कीमत थी वो इन्हें मिल गई है। और दूसरे ये है विष्णु जो इनका भाई था यानी हिस्सा था, यानी पूरा धनसु गांव इकट्ठा होकर पीछे भी 10 जने और खड़े हैं, 50 आदमियों ने इकट्ठा होकर इसमें छोटे बड़े युवा बुजुर्ग सारे इकट्ठे होकर इनकी कीमत लगाई है, और भाई 50-50 हज़ार रुपये दे के यानी 1,00,000 रुपये दे के जो तीन हिस्से थे वो तीनों हिस्से राजकुमार और के हो गए इनके जो पिताजी हैं मुकेश, और भाई इनका खत्म थे 2.75 लाख रुपये दोपहर तक उसकी स्टेटमेंट अपने पास है, यानी 11-12 बजे तक खत्म 2.75 लाख रुपये की आप लोगों ने मदद करी। और आपने तो पहले भाई जगदीप शर्मा भाई उसने भी वीडियो बनाई थी, दूसरा नंबर पर आपने बनाई थी उस भाई के ना अकाउंट डाले और तभी मदद हुई है भाई, आपने डाले है अपना तभी मदद हुई है, और कुछ भाइयों के फ़ोन भी आए हैं। तो ये स्टेटमेंट थी इसमें 2.75 लाख थे, इसके अकाउंट में तो 1,00,000 रुपये कटवा के इन दिए गए हैं। इब जो मकान बनेगा उस मकान का खर्चा भाई अपने जो और भाई हैं एक दो भाई का मेरे दो फोन आया वो जिम्मा लेंगे, इनके अकाउंट में तो 1 रुपया भी नहीं कटवाया जाओगा, वो मकान का खर्चा वो बहर की बहर भाई मतलब अपना थ्रू जाओगे और इनका मकान बनेगा, इनका अकाउंट में तो रुपया नहीं लिया जाओगा बिल्कुल भी। तो कृष्ण जी एक बार तो आप है जो राम राम जी, आप इनके भाई थे, आपने जगह दे दी, कितना में दी है? 50। आपने पैसे मिल गए? हाँ। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? चलो ठीक है भाई। ये विष्णु है जो धर्मपाल है, तीसरा इनका भाई था। तो भाई साहब राम राम। तो धर्मपाल के आप सुपुत्र हो? हाँ जी सुपुत्र। तीसरा हिस्सा आपका भी था? हाँ जी। आपने अपने हिस्से के पैसे मिल गए? हाँ मिल गए। कितने मिले हैं? 50,000 जी। और जगह आपने दे दी? हाँ दे। कोई ऑब्जेक्शन तो ना? कोई। चलो ठीक है भाई, मतलब ये लिखित आप तक दिखाई दी और सारा सिस्टम आप तक दिखाई दिया, पूरा गाम राम इकट्ठा है, पूरा गांव ने सलाह करके जो रेट लग गया था वो रेट दे दिया, खत्म तक कटवा के 1,00,000 रुपये इनते दे दिए। अब जो इनका अकाउंट में बैठे रहो क्या है? ठीक है चलो बहुत बढ़िया। और भाई इस भाई खतर दिल्ली तक कल एक भाई का फोन आया था अनिल नामा शायद, उस भाई ने ये कहा है कि भाई इस भाई का मैं इलाज भी करवाऊंगा जो कान है, कितना खर्चा लगेगा इनको ऑपरेशन का पैसा वो दे।